देखिए, उससे पहले हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी हैं। लालचंद जी, 3 साल का कार्यकाल कोरोना महामारी की वजह से एक चुनौती भी रहा, लेकिन अशोक गहलोत ने आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें कमी नहीं आने दी, तो एक तरीके से कहें बेहतरीन मैनेजमेंट मानते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं 3 साल के कार्यकाल के लिए राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा। और ये बात सही है कि कोरोना काल में जो बेहतरीन प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया पूरे प्रदेश में, वो हम सभी के सामने है। और इस बात का भी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के जितने भी प्रशासनिक काम थे वो उनमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी। कोविड के साथ साथ में, कोविड के जो संख्या बल था उसको देखते हुए भी, उसके साथ साथ में पैरेलल पूरे प्रदेश का जो प्रबंधन था वो काफी सराहनीय था। और लोगों में इस बात की खुशी है कि जो 3 साल का अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल रहा है वो वाकई राजस्थान को आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में। आपको लगता है सर कि अगर कोरोना नहीं होता या सियासी संकट जो आया वो नहीं होता तो प्रबंधन और बेहतर होता, जनता को और अधिक योजनाओं का लाभ मिल पाता? देखो, कोरोना के मार तो सब जगह पड़ी है, देश प्रदेश और विदेशों तक में पड़ी है। और ये बात भी सही है कि जो दूसरे वाली लहर आई उसमें जितने लोगों की हानि हुई उसको देखते फिर भी मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में प्रदेश को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया। आने वाले 2 साल बड़ी चुनौती, क्योंकि 5वां साल तो चुनावी साल माना जाता है। ऐसे में जितने वादे, जितनी योजनाएं रह गई हैं उन सबको धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर रहने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं, 3री बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको हर बात का पता है और वो राजस्थान को विकास की गति में आगे लेके जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री, किसानों के ऋण माफी की बात हो, किसानों के लिए अगर हम कहें कि बिजली के बिलों को जो है अनुदान देने की बात हो, या 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की बात हो, ये सब फैसले खासतौर पे किए गए हैं। और हम जब बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा दबाव, बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर भी, क्योंकि जब 4वां वर्ष शुरू होता है तो ये मान के चलिए कि उस साल के बजट में जो घोषणाएं हैं उन्हें 5-6 साल आपको लागू करना है। और साथ ही बड़ी जिम्मेदारी चुनावी साल में रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3री बार सीएम बने हैं, लेकिन बड़ा सपना उनका अपने नेतृत्व में राजस्थान में सरकार को रिपीट करवाना है। जी, अगर जनता की बात की जाए, क्योंकि सरकार के लिए तो अहम मौका है ही।